बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल। मैं हूं डियागो रितो। गाइस आज एक प्लेयर की टेस्टिंग लेने वाले हैं जिनका नाम होने वाला है बनी, जो कि गुची गैंग गर्ल से है भाई। काफी बेहतरीन प्लेयर, जिस तरीके से तारीफें काफी सुनी है, लेकिन देखना होगा गाइस वन वी टू की जब टेस्टिंग होगी तो क्या उस प्रेशर को ये प्लेयर हैंडल कर पाएगा। जब सामने की तरफ यहाँ पे टीम डी के दो प्लेयर सीक्रेट एंड व्हाइट बोट होंगे, तो बनी की तरफ से क्या रणनीतियां रहने वाली है, किस तरीके की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने वाले। पहला राउंड क्लॉक टावर पे आज का एंड एक अच्छी शुरुआत। पहला लाल नंबर किसकी तरफ से मेरे को देखने को मिलेगा, ये जरूर मैं देखना चाहूंगा। पीछे की तरफ से व्हाइट बोट आते हुए नजर आए, जी कवर काफी अच्छे खासा यहां पे करते हुए मेरे को नजर आ रहे बनी। थोड़ा सा बच के जरूर रहना चाहिए क्योंकि व्हाइट बोट एंड सिगरेट काफी बेहतरीन प्लेयर होने वाले हैं। एंड जी यहां पे अपना दबदबा कायम करते हुए टीम डी के प्लेयर्स मेरे को दिखाई दे रहे, लेकिन आज देखना होगा बेहतरीन मुकाबला यहां पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एक इनसेन मैच मैं जरूर चाहूंगा कि दोनों तरफ से कांटे की टक्कर जरूर होनी चाहिए। किंगफिशर पहले राउंड में बनी यूज करते हुए दिखाई दे रहे, जी सीक्रेट यहां पे डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल कर रहे। रूल्स गाइस आप सभी को पता है, एक प्लेयर डेजर्ट ईगल चलाता है और एक प्लेयर कोई भी गन यहां पे चला सकता है जो उसका मन करे, लेकिन यहां पे व्हाइट बोट को डैमेज, लेकिन बनी को कोई मौका नहीं। एंड सीक्रेट मौके का फायदा उठाएंगे एंड मौके पे चौका नहीं यहां पे छक्का लगाएंगे पहले ही राउंड में। एंड इसके साथ पहला राउंड इजीली यहां पे टीम डी के बॉयज गाइस निकाल के लेके जाएंगे परेशानी में डालते हुए बनी को। प्रेशर काफी होने वाला है, मैच काफी बड़ा होने वाला है, क्या टीम डी में आने का सपना पूरा होने वाला है बनी का। दूसरा राउंड आज के गाइस, दूसरे राउंड में पोशिनोंग में पहुंच चुके हैं। मुकाबला काफी तेजी से आगे जाता हुआ, बनी काफी तेजी से आगे जाते हुए यूएमपी इनके पास होने वाली है। यूएमपी का किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले, जब सामने की तरफ यहाँ पे टीम जी के दो ऐसे प्लेयर होने वाले जो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स के घुटने टिकवा देते हैं, और भाई मैंने इनसे बात की, काफी छोटे बच्चे होने वाले हैं। रेड नंबर का शूट यहाँ पे जरूर बनी की तरफ से मेरे को देखने को मिल चुका है, लेकिन व्हाइट बोर्ड कोई मौका नहीं देंगे। आप थोड़ी सी चूक करेंगे, चूक का पूरी तरीके से फायदा टीम जी के प्लेयर्स उठाएंगे, और ये राउंड मेरे को लग रहा है तोहफे के रूप में पे टीम डी प्लेयर्स को चला गया। डैमेज काफी अच्छा खासा सिगरेट को यहां पे मिला था, एक रेड नंबर का शॉट जरूर बनी की तरफ से आया था, लेकिन मौके का फायदा व्हाइट बोर्ड ने उठाया, घुस के मारा। एंड इसी के साथ 2-0 की बड़ी लीड हो चुकी है टीम डी बॉयज के पास। तीसरा राउंड आज का गाइस, और तीसरे राउंड में फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं। एंड भाई बनी क्या कमाल करने वाले हैं, गुची गैंग के गाइस प्लेयर होने वाले हैं, काफी बेहतरीन गिल्ड होने वाली है गुची गैंग, लेकिन आज क्या टीम डी में इनके आने का सपना पूरा हो पाएगा जब सामने की तरफ यहां पे टीम डी के दो प्लेयर्स होने वाले हैं सीक्रेट एंड व्हाइट बोर्ड। काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जी बनी रेड नंबर के शॉट, अगर एक प्लेयर को यहाँ पे जी व्हाइट बोर्ड को डैमेज बॉडी शॉट काफी अच्छा खासा यहाँ पे देते हुए मेरे को दिखाई दे रहे, लेकिन बॉडी शॉट से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। कहीं ना कहीं यहाँ पे रेड नंबर के शॉट तो लगाने पड़ेंगे, सीक्रेट लेफ्ट यहाँ पे तरफ होने वाले, थोड़ा सा बच के यहाँ पे जरूर खेलना होगा। जी सामने की तरफ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए, एंड व्हाइट बोर्ड किसी भी प्लेयर को यहाँ पे मौका नहीं देते, वो नहीं चाहता कि इनका कोई कॉम्पिटिटर गिल्ड में आए, तो यहाँ पे मौका बिल्कुल भी नहीं देते, प्लेयर को घुस के मारते। एंड सीक्रेट भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज डेजर्ट ईगल से देते मेरे को नजर आ रहे। जी ये शॉट परेशानी में डालने वाले बनी को, एंड जोन के साथ साथ यहाँ पे मिलके खेलने दोहरा बार यहाँ पे झेलना पड़ेगा बनी को, बच के खेलना होगा इनको। सामने की तरफ सीक्रेट व्हाइट बोर्ड, एंड सीक्रेट अगर डेजर्ट ईगल का शॉट कनेक्ट कर जाते हैं तो इजिली ये राउंड भी जा सकता है टीम डी बॉयज के खाते में, बच के खेलना होगा। प्लेयर काफी बेहतरीन होने वाले, आराम से खेलने हैं, आराम से यहाँ पे बिना प्रेशर ले खेलते हुए नजर आ रहे, लेकिन देखना होगा क्या इसे अपने हक में ले जा पाएंगे, क्या इस राउंड में कुछ कमाल करने वाले हैं जब सामने तरफ टीम डी के दो प्लेयर्स होने वाले। एंड यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि डार्क इन द डांस चल रहा है, अंधेरे में यहाँ पे तीर चलाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन क्या चल पाएगा तीर ये जरूर देखना होगा। सामने की तरफ व्हाइट बोर्ड, जी एक प्लेयर को डाउन लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा जोन से भी बच के रहना होगा, जोन से बच के रहना होगा। एक रेड नंबर का शॉट जरूर बनी की तरफ से आया था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस प्लेयर का खाता टीम डी प्लेयर से नहीं खुलने देंगे, जिस तरीके से यहाँ पे लगातार डाउन लेके जा रहे, लगातार कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है। पहले राउंड में सीक्रेट ने डेजर्ट ईगल का शॉट लगाया था, और बाकी दो राउंड में यहाँ पे व्हाइट बोर्ड कोई मौका ना देते हुए 3-0 की यहाँ पे लगातार हैट्रिक लगा के 3 राउंड अपने खाते में बैक टू बैक जोड़ चुके हैं। चौथा राउंड आ चुका गाइस, और चौथे राउंड में केप टाउन में पहुंच चुके हैं। 1v2 की टेस्टिंग गुची गैंग के गाइस प्लेयर होने वाले, एंड यहाँ पे बनी को जरूर रिस्क लेना होगा। इफ यू डोंट टेक रिस्क यू कांट विन, रिस्क के बिना यहाँ पे टीम डी में शामिल हो पाना शायद इनके लिए मुमकिन ना हो पाए। 3 राउंड लगातार टीम डी बॉयज गाइस निकाल के लेके गया। सिगरेट व्हाइट बोर्ड इनके सामने होने वाले दो ऐसी चट्टाने जिनको तोड़ पाना काफी मुश्किल होने वाला है। जी दोनों तरफ से कवर काफी, ग्लोवाल काफी अच्छे तरीके से प्लेयर लगा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट जी जी ये बढ़िया रेड नंबर का शॉट, एक प्लेयर को बढ़िया रेड नंबर का यहाँ पे शॉट लगा दिया गया है। व्हाइट बोर्ड एक बड़ी कामयाबी जाती हुई बनी के खाते में, सीक्रेट अकेले बचते हुए, लेकिन सीक्रेट से बचना होगा अगर डेजर्ट ईगल का शॉट गलती से कनेक्ट हो जाता है। मेरे को लग रहा है कि अभी ग्लोवाल में खुद को पैक करके इनको हील करना चाहिए। जी यहाँ पे लगता है मेरी बातें सुन ली इन्होंने, क्योंकि व्हाइट बोर्ड डाउन हो चुके, इनको रिवाइवल
संभव नहीं हो सकता। बच के यहाँ पे खेलना होगा। 1v1 का मुकाबला डेजर्ट ईगल सामने, डेजर्ट ईगल 2 यूएमपी का गाइस मुकाबला होने वाला है। बनी के पास एक गोल्डन चांस, बेहतरीन मौका इस गेम में वापसी करने का, क्योंकि सामने की तरफ जो प्लेयर होने वाला है उसके पास डेजर्ट ईगल होने वाली है। तो मौके पे क्या चौका लगाएंगे या फिर डेजर्ट ईगल का शॉट इनको दोबारा से डाउन करने वाला है, ये जरूर देखना होगा। यहाँ पे रिस्क जरूर बनी की तरफ से लिया जा रहा है। जी बॉडी शॉट काफी अच्छे खासे हैं, जैसा मैंने बोला था कि इस प्लेयर के रेड शॉट काफी कम मेरे को दिखाई दे रहे हैं। बॉडी शॉट यहाँ पे बेहतरीन लगा रहे हैं और यहाँ पे ग्लोवाल भी काफी अच्छे से लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक रेड नंबर के शॉट नहीं आएंगे एंड रेड नंबर के शॉट आते एक प्लेयर को डाउन भी लेके गए एंड अभी इनके सामने एक बड़ा खतरा जरूर होने वाला। सीक्रेट डेजर्ट ईगल का एक शॉट अगर गलती से कनेक्ट, जी ऐसे शॉट्स की मैं बात कर रहा था, एंगल बना के यहाँ पे जरूर मेरे को मारते हुए दिखाई दे रहे, रोटेशन करके थोड़ा सा आ तो जरूर चुके हैं बनी, लेकिन गाइस 1v2 की टेस्टिंग सीक्रेट कोई मौका ना देते हुए एंड थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहते क्योंकि डेजर्ट ईगल का शॉट यहाँ पे बनाने के लिए थोड़ी दूरी यहाँ पे जरूरी है एंड यहाँ पे 1v1 का मुकाबला। जी बनी की तरफ से डैमेज देने की कोशिश यहाँ पे लगातार एंड जोन का संकेत काफी जल्दी से आ जाएगा एंड ग्राउंड काफी जल्दी से श्रिंक हो जाएगा, तो जो करना है जल्दी करना होगा बनी को। मुकाबला गाइस बेहतरीन चलता हुआ, लेकिन जैसा मैंने बोला था सीक्रेट को सिर्फ एक मौका चाहिए था और उसी मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाकर दोबारा से बनी को डाउन लेके गए। बनी ने अपना खाता जरूर खोल लिया लेकिन स्कोर लाइन पे खाता खोलने में अभी तक है नाकाम। 4 पॉइंट की लगातार लीड बनाकर बैक टू बैक राउंड अपने खाते में जोड़कर ये मैच पूरी तरीके से यहाँ पे टीम डिपोज अपने खाते में लेके जाना चाहते। 5वां राउंड आ चुका गाइस और 5वें राउंड में हम पहुंच चुके हैं मिल में एंड बनी के पास है गोल्डन चांस एंड व्हाट ए रेड नंबर शॉट। अगेन दोबारा से व्हाइट बोर्ड का शिकार किया जा चुका है, लगता है व्हाइट बोर्ड की यहाँ पे नब्ज मिल चुकी है इनको, व्हाइट बोर्ड को लगातार यहाँ पे डाउन लेके जा रहे। सामने की तरफ यहाँ पे सीक्रेट होने वाले हैं, सीक्रेट यहाँ पे खुद को हील करते हैं लेकिन व्हाट ए रेड नंबर शॉट बाय द बनी, अनबिलीवेबल। OMG क्या ही शॉट लगा इस प्लेयर ने, पूरे मौके का फायदा उठाया और जो एंगल बना हुआ था उस एंगल पर जिस तरीके का बनी ने यहाँ पे शॉट लगाया डेजर्ट ईगल का, कामयाबी जरूर इनके कदम चूमने वाली है। काफी बेहतरीन प्लेयर होने वाले रेड नंबर की जिनकी इनको दरकार थी वो इन्हें मिल चुके हैं एंड 1 पॉइंट से गाइस अपना खाता खोल के कमबैक करते हुए बनी। 6वां राउंड आ चुका गाइस और 6वें राउंड में हम पहुंच चुके हैं रिवर साइड पे, ठंडी ठंडी हवाओं का लुफ्त उठाते हुए यहाँ पे प्लेयर्स मेरे को जरूर नजर आ रहे हैं। सामने की तरफ यहाँ पे 2 प्लेयर जरूर होने वाले हैं व्हाइट बोर्ड, लेकिन व्हाइट बोर्ड की नब्ज यहाँ पे पहचान ली गई है, बनी कमाल कर सकते हैं लेकिन बच के अब की बार। जी यहाँ पे चेंज किया गया, सीक्रेट के हाथों में अब की बार यूएमपी होने वाली है, यूएमपी से क्या कमाल करने वाले, अब की बार घुस के यहाँ पे रेड नंबर के शॉट लगाने की कोशिश, काफी जल्दी से यहाँ पे जरूर खुद को कवर करेंगे एंड यहाँ पे शायद अब की बार गन नहीं ले पाए, डेजर्ट ईगल भी नहीं मिली अब की बार, यूएसपी से यहाँ पे डैमेज देते मेरे को जरूर दिखाई दे रहे, प्लेयर को जरूर डाउन लेके गए लेकिन सीक्रेट कोई मौका नहीं देंगे। अच्छे से यहाँ पे ग्लोवाल में पैक नहीं कर पाए बनी, एक्चुअली 1v1 का इस राउंड में मुकाबला होने वाला था, अगर बनी इत्मीनान से यहाँ पे खेलते तो ये राउंड इजिली निकाल के लेके जा सकते थे क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, जी अब की बार व्हाइट बोर्ड आ चुका है, व्हाइट बोर्ड का नेट शायद पिछले राउंड में नहीं था, यूएसपी इनको मिली जिसकी वजह से यहाँ पे आ सकता था राउंड बनी के खाते में, लेकिन गलतियां यहाँ पे बनी करते हुए नजर आ रहे, लेकिन गाइस देखना होगा क्या कमबैक कर पाएंगे बनी। 7वां राउंड आ चुका गाइस और 7वें राउंड में शिपयार्ड में आ चुके हैं, शिपयार्ड में बाजी कौन मारने वाला है, और बाजी तो भाई मार सकते हैं बनी, जरूर इनके पास कैलिपर होने वाला, बेहतरीन प्लेयर होने वाले, लेकिन बच के रहना होगा। डेजर्ट ईगल के शॉट भी काफी बेहतरीन लगाते हैं लेकिन अब की बार यूएमपी डेजर्ट ईगल कॉम्बिनेशन काफी उम्दा कॉम्बिनेशन यहाँ पे होने वाला है एंड मुकाबला ये टेस्टिंग काफी बेहतरीन गाइस यहाँ पे चलती। सामने की तरफ है 2 प्लेयर होने वाले, जी डैमेज देने की कोशिश, सीक्रेट को डाउन ले जाने की कोशिश यहाँ पे जरूर की जा रही है लेकिन बच के रहना होगा। सीक्रेट भी यहाँ पे डेजर्ट ईगल के शॉट लगाने में काफी माहिर प्लेयर है तो थोड़ा सा बच के रहना होगा। जी व्हाइट बोर्ड का शायद यहाँ पे नेट जा चुका, जी आ चुके हैं गेम में एंड देखना होगा यहाँ पे 1v2 की टेस्टिंग में क्या कमाल करने वाले एंड भाई ये अनाड़ी तो बिल्कुल नहीं होने वाले, खिलाड़ी होने वाले, प्लेयर बेहतरीन खिलाड़ी होने वाले, थोड़ा सा संभल के यहाँ पे खेलने की जरूरत है। सामने की तरफ 2 प्लेयर डेजर्ट ईगल एंड यूएमपी के जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलाए जाते हैं वो काबिले तारीफ होती है। बनी अब की बार कोई मौका ना देते हुए व्हाइट बोर्ड वॉल के सामने होने वाले एंड जी यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश, लेकिन बनी चालाक सातिर प्लेयर होने वाले हैं एंड यहाँ पे देखिए जैसा मैंने बोला था थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहने की जरूरत थी, बनी को बचे नहीं, भाप नहीं पाए कि पीछे से भी यहाँ पे प्लेयर आ सकता है, पीछे से कवर नहीं कर पाए खुद को, जिसका पूरा फायदा यहाँ पे टीम डी के प्लेयर्स उठाते हुए एंड इसी के साथ यहाँ पे मैच पॉइंट पर पहुंच गए टीम डी एंड ये आखिरी मौका होने वाला है बनी के पास। 8वां राउंड आ चुका गाइस और 8वें राउंड में कटोस से हमें पहुंच चुके हैं भाई गुची गैंग के ये प्लेयर क्या कमाल करने वाले हैं, कि बेहतरीन गिल्ड होने वाली है, प्लेयर में भी दम होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि इनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी उलझी हुई है, जब तक यहाँ पे प्लेयर्स की स्ट्रेटजी को नहीं भापेंगे तब तक कमाल नहीं कर सकते। जी ये
काफी बेहतरीन। यहाँ पे बॉडी शॉट एक प्लेयर को जरूर दे दिया, अगर यहाँ पे रेड नंबर के शॉट आ जाते तो इस मैच का तख्ता यहाँ पे पलट सकते थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बच के जरूर खेलना होगा। एंड ये लास्ट राउंड होने वाला है, लास्ट चांस होने वाला है, अगर ये वापस नहीं करते हैं तो ये राउंड गाइस आखिरी राउंड साबित हो सकता है। लेकिन जी काफी अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे व्हाइट बोर्ड को मिल चुका है, बनी को भी डैमेज मिल चुका है, दोनों खुद को हील करेंगे। एंड डेजर्ट ईगल का शॉट लगाने के लिए सीकर पूरी तलाश में यहाँ पे पूरी तरीके से घूम के आते हुए मेरे को दिखाई दे रहे। बनी के पास एक बेहतरीन मौका होने वाला है, राइट साइड में यहाँ पे सीक्रेट होने वाले हैं एंड सीक्रेट कोई मौका नहीं देंगे। चार राउंड लगातार इनके हाथों से निकाल के लेके जा चुके हैं। ये भाई एक छुपा रुस्तम प्लेयर होने वाला है, डेजर्ट ईगल जिस तरीके से मारता हो जिन एंगल से मारता है ये काबिले तारीफ होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बच के बनी को रहना चाहिए, अगर यहाँ पे इस राउंड में वापसी नहीं करते तो देन इट विल बी द लास्ट राउंड ऑफ द मैच और ये टेस्टिंग आज यहीं पे समाप्त हो जाएगी। एक बेहतरीन प्लेयर यहाँ पे बनी जरूर होने वाले, वॉल की रफ्तार लगा लो या इनकी रफ्तार लगा लो, लेकिन थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हेड शॉट थोड़े से कम मिल रहे हैं। अगर हेड शॉट उमदा तरीके से मिले तो कहीं ना कहीं काम चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा बच के लेफ्ट साइड में यहाँ पे होने वाले सीक्रेट, राइट साइड में व्हाइट बोर्ड एंड बिटवीन द डीप एंड द डेविल इनको खेल के मारने की कोशिश यहाँ पे जरूर की जा रही है। थोड़ा सा बच के रहना होगा, बनी सामने की तरफ एक प्लेयर होने वाला है, लेकिन लास्ट का किल अब की बार व्हाइट बोर्ड के खाते में जाएगा। एंड इसी के साथ गए सात राउंड निकाल के लेके जाएंगे टीम डी के प्लेयर। एक राउंड यहाँ पे जरूर निकाला था बनी ने, बेहतरीन प्लेयर जरूर होने वाले थे। एक राउंड में और गोल्डन चांस मिला था, वहां पर यहाँ पे काम करके जा सकते थे जब व्हाइट बोर्ड का नेट चला गया था, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई जिसका फायदा पूरी तरीके से यहाँ पे टीम डी प्लेयर उठाते हुए सीक्रेट डेजर्ट ईगल से चार राउंड निकाल के लेके गए। एंड व्हाइट बोर्ड गए तीन राउंड निकाल के लेके गए, जबकि बनी ने अपना खाता जरूर खोला, लेकिन कहीं ना कहीं गए स्कोर लाइन पे एक ही पॉइंट अपने खाते में जोड़ पाए, इस वजह से 7-1 से गाइस टेस्टिंग समाप्त होती है। तो गाइस आपको टेस्टिंग कैसे लगी जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर गाइस।